नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन के साथ राजपथ बना कर्तव्य पथ। निजात अभियान की अलग जगाने, जिला पुलिस पहुंच रहा विद्यालयों तक। 5 महीने बाद हुई नगर निगम की बैठक, मचा हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की शाम को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। 28 फुट ऊंची यह प्रतिमा ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी गई है। 65 मैट्रिक टन यह प्रतिमा उसी जगह स्थापित की गई है जहां बीते 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ये दोनों निर्माण कार्य सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। दिल्ली के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में शामिल इस इलाके की कहानी 1911 से शुरू होती है। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, कलकत्ता उनकी राजधानी थी, लेकिन बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का ऐलान किया। दिल्ली में अहम इमारतें बनाने का जिम्मा मिला एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया। ये प्रोजेक्ट वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शॉन्स एलिजे से प्रेरित था। ये तीनों प्रोजेक्ट नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे। आजादी के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की सड़क का भी नाम बदल दिया गया और किंग्सवे राजपथ बन गया। इसका नाम भी आज से कर्तव्य पथ हो जाएगा। इस परियोजना पर कुल 308 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कोरबा पुलिस कप्तान संतोष सिंह की अगुवाई में जिले में खास तौर पर निजात अभियान चलाया जा रहा है। अभियान निजात के तहत जिले के युवाओं को नशे से दूर रखने व साइबर क्राइम सहित यातायात के नियमों का युवाओं को प्रतिपालन करवाना मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में कार्यक्रम ग्राम सिंघिया विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मध्य नशे के दुष्परिणाम और यातायात जागरूकता का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में छात्र छात्राएं व प्राचार्य सहित शिक्षक गण सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में थाना प्रभारी अश्वनी राठौर, संदीप पांडे एवं पुलिस टीम के साथ विद्यार्थियों के मध्य यातायात सुरक्षा और नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उपस्थित विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। रायपुर नगर निगम में 5 महीने बाद सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विपक्ष लगातार महापौर परिषद पर हमलावर बना रहा। प्रश्नकाल के पहले ही विपक्ष ने आपत्ति जताई कि 5 माह बाद बैठक बुलाई गई है, जिसमें 13 में से 6 एजेंडे तो सिर्फ नामकरण के ही, लोकहित का एक भी मुद्दा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने आरोप लगाया कि गरीबों के लिए आवास योजना के मकानों को नगर निगम मोर मकान मोर आवास के नाम पर 3.25 लाख में बेच रहा है। केंद्र और राज्य के अंश की रकम में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। विपक्ष के बाद कांग्रेसी पार्षद अनवर हुसैन ने निगम की कार्यशैली पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अनवर ने उदाहरण के साथ बताया कि बिना काम हुए अधिकारी ठेकेदारों को भुगतान कर रहे हैं, जिसके बाद सभापति प्रमोद दुबे ने इस पर जांच की बात कही। विपक्ष ने इस पर भी मेयर को घेरा। बैठक में सरोना ट्रेंचिंग ग्राउंड गोल बाजार के मुद्दे पर चर्चा होना बाकी है, जिसमें भी हंगामे होने के आसार हैं। महापौर का कहना है कि विपक्ष के आरोप बेबुनियादी हैं। विपक्ष विकास की बजाय विरोध की राजनीति कर रहा है। देखिए, ये तो मतलब नगर निगम की कार्य प्रणाली में की चरम सीमा है ये कि सत्ता पक्ष का जो जनप्रतिनिधि है, जो सत्ता पक्ष का पार्षद है, वो स्वयं सदन में आरोप लगा रहा है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। वो स्वयं ही आरोप लगा रहा है कि ठेकेदारों का भुगतान काम होने से पहले हो जा रहा है। जो विषय आता है, गोल बाजार का जमीन बेचने का विषय आता है, उन्हीं का पार्षद एमआईसी में है, वो बाहर निकल के विरोध करता है उसके इस विषय का। उनके दल के विधायक इस फैसले का विरोध करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर किस हिसाब से चल रहा है, नगर निगम में किसका चल रहा है, कौन नगर निगम में निर्णय लेता है। एक तरफा निर्णय होता है और बिना किसी जनप्रतिनिधि के जानकारी के एक तरफा, मतलब नगर निगम में भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से व्याप्त है। महापौर महोदय जी अपने हिसाब से निर्णय करते हैं। जब वो अपने सत्ता पक्ष को विश्वास में नहीं ले सक रहे हैं, तो वे किस मुंह से बात करते हैं कि 70 पार्षदों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाएगा। तो स्पष्टीकरण ला के दें, और यदि कोई बिना काम का भुगतान हुआ तो फिर कोई भी हो उसको सस्पेंड किया जाएगा। सिर्फ बोलना, अगर हमारे किसी ने जवाबदार आदमी ने हमारे बोला है, किसी पार्षद ने बोला है, तो उसकी जांच की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि एक बार कोई मतलब कोई बोल दिया उसको हम तुरंत उसको मान के उसको तुरंत कार्रवाई कर दें। हर चीज़ की एक जाँच का विषय होता है। जांच में उसको संज्ञान में लेकर उसमें जो भी बात होगी, जो भी अगर उसमें दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।